Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So where I am traveling today, I am traveling to one of my dream destination in India, and that is Meghalaya. I'll be sharing all the details that how to reach Meghalaya from Delhi. तो make sure इस video को end तक देखें. अगर video पसंद आ रही है तो video को like करें, channel को subscribe करें and अपने दोस्तों के साथ share करें. So majorly there are two ways to reach Meghalaya from Delhi. जिसमें कि सबसे easy option है flight and second है train. So I chose to travel via flight. वैसे दिल्ली टू शिलोंग डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अवेलेबल है, बट जो कॉस्ट है वो मोर देन डबल है एज़ कम्पेयर टू गुवाहाटी. सो अगर आपको बजट ट्रिप करना है तो यू शुड बुक योर टिकट्स टिल गुवाहाटी, और उसके बाद आपको 3 घंटे की ड्राइव मिलेगी गुवाहाटी टू शिलोंग. तो मेरी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है एंड हाफ आवर लगेंगे अभी गुवाहाटी पहुंचने में. अभी 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है. तो अब मेरी फ़्लाइट लैंड कर जाती है गुवाहाटी, और गुवाहाटी एयरपोर्ट से बाहर निकल के मुझे टैक्सी देखनी है जो कि हमें पहुँचाएगी शिलोंग तक. सो आई हैव मेड इट टू गुवाहाटी और अभी हम गुवाहाटी से शिलोंग जाएंगे. देयर आर टू वेज टू रीच शिलोंग. पहला, आप शेयर टैक्सी ले सकते हो. सेकेंड, आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो. शेयर टैक्सी विल कॉस्ट यू 500 रुपीज़ पर्सन, एंड जो प्राइवेट टैक्सी का फेयर है वो अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ है. वेरी करता है आप कौन सी टैक्सी कर रहे हैं प्राइवेट बुक. यहाँ आ जाते हैं मेरा फ़ोन ऑफ और प्लान में भी थोड़े चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज हम शिलोंग काफ़ी लेट पहुँचेंगे. तो प्लान हमारा हो जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकलेंगे शिलोंग के लिए. तो हम ढूंढने निकलते हैं एक होटल या हॉस्टल गुवाहाटी में. तो फ्लाइट लैंड करने के बाद पहले प्लान था हमारा शिलोंग डायरेक्ट जाने का, बट अभी रात काफ़ी ज़्यादा हुई है तो अभी प्लान है कि अभी गुवाहाटी स्टे करूँगी. सुबह यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6-7 हम निकल जाएंगे शिलोंग के लिए. तो एयरपोर्ट के पास ही मैंने एक होटल बुक किया था, ऑफलाइन बुक किया था बिकॉज प्लान थोड़ा चेंज हो गया. तो पासेबल होटल है वुडलैंड, तो यहाँ पे स्टे करूँगी और सुबह यहाँ से निकलूँगी. तो सी यू इन द मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और यहाँ पे दिन, एक्चुअली यहाँ दिन इतनी जल्दी हो जाता है. तो मैं फटाफट होती हूँ रेडी, इसके बाद निकलती हूँ शिलोंग के लिए. सो विदाउट एनी डिले और रेडी होके मैं निकल जाती हूँ गुवाहाटी के लिए और मुझे कैब मिल जाती है. तो 3 घंटे की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई हूँ शिलोंग सिटी. पहुंच चुकी हूँ शिलोंग और अभी हमारा जो स्टे है पुलिस बाजार से ऑलमोस्ट 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है. तो वी आर गोइंग टू फाइंड अ स्कूटी शॉप जहाँ से स्कूटी हमें रेंट मिल जाए या फिर कैब मिलते हैं. आई होप ये स्कूटी की कोई शॉप है स्कूटी रेंटेड, यहाँ से पूछते हैं. जाने से पहले आई एम गोइंग टू रेंट अ स्कूटी. स्कूटी शॉप पर जा रही हूँ. सोचा कि जो 4 दिन में यहाँ पे उस स्कूटी पे एक्सप्लोर करूँगी. दैट वुड बी द मोर कन्वीनियंट ऑप्शन बिकॉज टैक्सी का रेट भी ज़्यादा होता है और अभी यहाँ सिटी में रश भी बहुत ज़्यादा है. एंड देन फाइनली मुझे स्कूटी मिल जाती है 600 रुपये पर डे विदाउट पेट्रोल. एंड इन केस यू वॉन्ट टू हायर अ स्कूटी इन मेघालय शिलोंग, मैं नंबर नीचे मेंशन कर देती हूँ, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम. 10 बज गए हैं और मैं अपने होम स्टे की तरफ अब चल देती हूँ.
हॉस्टल के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है मेघालय में, तो मैं अपने लिए बुक करती हूँ ये होम स्टे। तो मुझे ये रूम जो पड़ा था वो 1200 रुपये पर नाइट का पड़ा था। एंड अभी रेडी हो गई हूँ मैं, चेक इन मैंने कर लिया अभी। सो अब मैं निकल जाती हूँ रेडी होके शिलोंग एक्सप्लोर करने, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग नाउ।